श्री हरि वृद्ध आश्रम में चल रही 3 दिवसीय भागवत कथा में बताया, व्यक्ति को जीवन में भजन जरूर करना चाहिए। बुजुर्गों की सेवा हमारी संस्कृति है, हमें बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। यह उद्गार कथा व्यास पंडित शिवम महाराज ने श्री हरि वृद्ध आश्रम के पूजा कक्ष में व्यक्त किए। गौरतलब है कि उनके द्वारा बुजुर्गों के आध्यात्मिक कल्याण हेतु पितृपक्ष में 3 दिवसीय हरिनाम कीर्तन कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा के दूसरे दिन उन्होंने बुजुर्गों को हरिमय होने की बात कही। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की विदिशा नगरी धन्य है, जहां इतनी अधिक संख्या में बुजुर्गों की उनके घरों में बेहतर सेवा हो रही है। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। पहले अब इसका जन्म हुआ था, अब मरुप्रांत आत्मा है, अब इसका कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए अब मझधार में अटके हुआ हूँ। मझधार में प्रभु अब धार लगाना, बेड़ा पार लगाना आपके है। इस संसार को, इस संसार के पार लगाना, इस भवसागर से इस देह को पार लगाना प्रभु आपकी मर्जी है। आप लगाए या न लगाए, सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है। कैसा है हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।